तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। क्या आप अभी भी हैं अपने बालों से परेशान? तो चिंता छोड़िए, अब आपके बालों का होगा 100% इलाज। बालों का झड़ना, बालों का पकना, गंजेपन से मिलेगा छुटकारा। आज ही जाएं बिहार के पहले ट्रैकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरफराज अली के पास, जहां आपको मिलेगा आपके बालों का सफल इलाज। हमारा पता नियर DMCH आउटडोर नाका 6 दरभंगा। कुमार है, आइए आज हम आपको बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के एक गाथा के बारे में आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। अगर आपको इस बात का घमंड है कि बिहार में सब कुछ सही चल रहा है और सरकार सब सही कर रही है, तो आप देख लीजिए कि बिहार में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो सही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जर्जर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गवाही दे रहा है कि नीतीश राज में अस्पतालों की हालत क्या से क्या हो गई। कोरोना काल में जहां लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, वही अस्पताल में लटका ताला मरीजों का मुंह चिढ़ा रहा है। जी हां, तीरथपुर प्रखंड के रसियाड़ी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गाय के लिए चारा रखा जा रहा है। वहाँ के लोग बताते हैं कि भोरे कमीशन के अंतर्गत बनाया गया यह अस्पताल आजादी के पहले से ही संचालित था। इस गांव के बुजुर्गों ने अपने पसीने की कमाई से बनाया था यह अस्पताल। यह अस्पताल बाद में केंद्र सरकार द्वारा संचालित होने लगा। यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ था। इस अस्पताल ने हैजा जैसी महामारी में क्षेत्र के लोगों के बीच लक्ष्मण भूति का काम किया था तथा एक बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा था। जनाब, आज का आलम यह है कि यह अस्पताल जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। हमारे वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी इसके लिए चुनावी रैलियों में यहां के ग्रामीणों को आश्वासित किया था कि यह अस्पताल सुचारू रूप से ठीक करवा कर चलाया जाएगा। वर्तमान में यहाँ की विधायिका स्वर्णा सिंह ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही गोपाल जी ठाकुर सांसद ने। यह अस्पताल लाखों लाख की आबादी को प्रभावित करता है, जिससे पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया है। बताना चाहूंगा कि रसियारी अस्पताल कीरतपुर PHC ने भी पहले का अस्पताल है और अभी कोरोना जैसी महामारी में इसके पद स्थापित डॉक्टरों को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में क्षेत्रवासियों के बीच घोर आक्रोश है। आज का आलम यह है कि अभी अस्पताल जर्जर अवस्था में पड़ा है। यह भी बताना चाहूंगा कि यहाँ के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने मिथिला को एक देश के रूप में स्थापित करने का सपना देखा था, वह डॉक्टर लक्ष्मण झा थे। यह उन्हीं का पैतृक गांव है। उनके मूर्ति अनावरण के समय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्वनी चौबे यहां आए और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 20 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जो एकमात्र चुनावी जुमला बनकर रह गया।